सो हेई व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की एक और न्यू जर्नी। बट इस वर्ल्ड में मैं यूज कर सकता हूँ क्रिएटिव मोड, बिकॉज अब आने वाली वीडियोस में जैसा कि तुम सभी को पता है मैं बना रहा हूँ डोमिनिक एसएमपी में काफ़ी ज़्यादा फार्म्स, और साथ में हम चारों मेंबर्स मिलके डोमिनिक एसएमपी को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। तो जो जो फार्म मैं उस एसएमपी में बनाऊंगा उन सब का आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। लेकिन उस सब टोटल्स को देखने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो, नहीं तो तुमसे ये टोटल मिस हो जाएंगे और न्यू वर्जन आ जाएगा जिसके बाद तुम सभी बोलोगे कि ये फार्म वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आज के दिन इस वर्ल्ड में क्रिएटिव यूज नहीं करने वाला हूँ, आज के दिन मैं इस वर्ल्ड को सर्वाइवर ही रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस वुड से प्लैंक्स बनाए, जिसके बाद मैंने अपना एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया जो कि हमारे इस वर्ल्ड का फर्स्ट क्राफ्टिंग टेबल है। और मैंने सिर्फ अपनी एक पिकेक्स बनाई वुड की, बिकॉज सामने स्टोन था तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक स्टोन की ही बनाई जाए शुरुआत में। और स्टोन माइन करने के बाद मैं अपने लिए बनाता हूँ एक पिकेक्स और एक स्टोन की, जिसके बाद मैं थोड़ा आगे की जाने की सोचता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना सर्वाइवल पॉइंट देख रहा था कि कैसा है, लेकिन मेरे को यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं मिलता है। वेट, सर्वाइवल पॉइंट? स्पॉन पॉइंट की जगह। तो इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक विलेज है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना जल्दी से थोड़ी वुड लेके इस विलेज में जाया जाए और वहाँ के रिसोर्सेज देखे जाए क्या क्या है वहाँ पर। विलेज में आके मैं सबसे पहले अपना एक रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ, और जैसे मैं इस फार्मर के पास जाता हूँ तो ये मेरे को देख के सारा फूड उठा लेता है। और उसके बाद इसका कुछ ये जवाब था, अच्छा हमको सिखा रहा है। इसके बाद मैं करता हूँ अपने खाने पीने का जुगाड़, और फिर विलेजरों का रक्षक आयरन गोलम, और मैं इसको पीटता हूँ। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि मेरे को स्टार्टिंग में ये 5 आयरन इंगट्स दे देते हैं, जिसके बाद मैं जाता हूँ अपने घर के पास ही एक केव में, घर के पास मतलब विलेज के पास, और वहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ आयरन और काफ़ी ज़्यादा जो जो मेरे को ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे ये कोबलस्टोन वगैरह हो गया, ड्यूराइट वगैरह जो भी थे सब कलेक्ट कर लेता हूँ। सो फर्स्ट डे में मेरे को मेरा आयरन का आर्मर और टूल्स मिल जाते हैं, और उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन बच जाता है, और वो सब मैंने इस चेस्ट में रखा है जो जो सामान मेरे को इस केव में से मिला है। और इस केव में एक अच्छी बात ये थी कि अंदर ही एक और माइन शाफ्ट भी थी। सो अब हम करते हैं इस वर्ल्ड का पहला सर्वाइवल डे और आखिरी सर्वाइवल डे का डी एंड, बिकॉज अब यहाँ पर बनाऊंगा मैं फार्म्स जो कि डोमिनिक एसएमपी में मैं बनाऊंगा, और उनका टोटल आपको यहाँ पर दूंगा। तो बी रेडी, सब्सक्राइब कर लो यार से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।